वैसे तो मगरमच्छ ज्यादातर दूसरे जानवरों का ही शिकार करके अपना पेट भरते हैं और ये अपने डाइट में हिरन, विल्डबीस्ट, बफलो और जेब्रा जैसे जानवरों को शामिल करते हैं और मौका मिलने पर तो कैट फैमिली को भी नहीं छोड़ते। लेकिन क्या आपको पता है कि मगरमच्छ अपने इलाके की आबादी को काबू करने के लिए एक दूसरे पर ही हमला कर देते हैं, जिसमें छोटे मगरमच्छ अक्सर बड़े मगरमच्छों का भोजन बन जाते हैं। और ये ऐसा तब करते हैं जब उन्हें शिकार करने के लिए दूसरे जानवरों की कमी हो जाती है, क्योंकि कई दिनों में छोटे मोटे शिकार हाथ लगने से सभी का पेट नहीं भर पाता और ऐसे में मगरमच्छ अपने पेट को भरने के लिए एक दूसरे पर ही हमला कर देते हैं। इसके अलावा मगरमच्छ ऐसा अपना दबदबा बनाने के लिए भी करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मगरमच्छ एक छोटे मगरमच्छ को अपने जबड़े में दबा रखा है और कुछ ही देर में उसे आधा निगल जाता है। इसके बाद पानी में ले जाकर उसका खेल खत्म कर देता है, मतलब उसे पूरा निगल जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।